नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और कस्टम ऑप्शन की। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आया हूँ जो कि बहुत रेयरली आता है। रेयरली क्यों आता है, ये जो ऑप्शन है ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, और एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो बहुत ही कम देखा जाता है कि एक्सपोर्ट का कोई ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट के केस में क्या फ़र्क है, देखिए इंपोर्ट के केस में जब भी कोई देश बंदा बाहर से इंपोर्ट करता है तो वो उसको ऑक्शन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो कंप्लाइंस है और डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादा चाहिए होती है, और उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत दूर से वो समुंदर के रास्ते इंडिया में आती हैं, बहुत जगह पर उतरती हैं, बहुत जगह पर कंटेनर खाली होता है, रीलोड होता है, कंटेनर उतरता है, रीलोड होता है, तो धक्कम धुक्की में कई बारी चीज़ें जो हैं वो टूटने फूटने का डर लगा रहता है, और डैमेज जो है वो कहीं ना कहीं जनरली जो ऑप्शन होता है इंपोर्ट के ऑप्शन उसमें ज़्यादा होता है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो है ये लोकल फैक्ट्रीज से बना के दिल्ली के पोर्ट तक ले जाया जाता है। जैसे कि जनरली अगर दिल्ली के जो ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऑप्शन में जो आइटम आए हुए हैं ये मुझे पता है कि आइटम जो है बहुत अच्छी कंडीशन में होने वाली है और बहुत अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें होने वाली है, क्योंकि जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास के किसी लोकल फैक्ट्री में बनी होगी, फिर एक्सपोर्ट के लिए गई होगी। एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट में ऑप्शन इसलिए कम आता है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है हमारे देश एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस जो है एक्सपोर्ट के केस में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को छूट दी जाती है, फिर भी कई तरह के एक्सपोर्टर्स होते हैं जो इस तरह की गलती करते हैं, कई लोग जानबूझ के करते हैं, कई लोग अनजाने में कर देते हैं, तो ये जो माल है वो ऑक्शन में आ जाता है। तो सीधा आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन सा ऑक्शन है और क्या क्या आइटम आया हुआ है। देखिए ऑक्शन जो है वो है आपका 5 अप्रैल को इसकी इंस्पेक्शन है और 6 अप्रैल को इसकी बिडिंग की डेट है। एक्सपोर्ट कमिश्नर ऑफ ICD TKD यानी ICD TKD तुगलकाबाद में ये एक्सपोर्ट कमिश्नर द्वारा यानी एक्सपोर्ट शेड में किया जा रहा है। और जो आइटम है सीधा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए पॉकेट वॉलेट है, 2000 पीसेस एक लॉट है। एक्सपोर्ट के केस में देखिए आप लोगों को कंटेनर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेनर जो है वो बाद में अलॉट होता है जब लेट एक्सपोर्ट हो जाता है, तो जब लेट एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, क्लियरेंस हुआ ही नहीं, तो उसको कंटेनर अलॉट हुआ ही नहीं, माल कंटेनर के अंदर गया ही नहीं, तो ये वेयरहाउस के थ्रू आपका ऑक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वेयरहाउस में रखी रहेंगी, वेयरहाउस से बाहर निकाल के जो आपका ऑक्शन एरिया है वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। ये जो माल होगा ये लूज़ होगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, शायद इसको पकड़ के भी देख पाएंगे, क्योंकि जो है ये डब्बों में होगा, कंटेनर के पीछे बहुत सारा भरा नहीं होगा, जो जनरली आप लोग इंपोर्ट के केस में देखते हैं। उसके बाद है बॉक्सिंग ग्लव 1600 पेयर्स, लेडीज स्लीपर एसॉर्टेड साइजेज़ हैं 9500 पेयर्स। उसके बाद है गर्ल फ्रॉक्स 35,000 पेयर्स, गर्ल फ्रॉक्स जनरली फैब्रिक ही आता है, क्योंकि फैब्रिक में बहुत ज़्यादा धंधली चलती है, क्योंकि फैब्रिक में जो है ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा होता है, और वो ड्रॉबैक को लेके बहुत बारी फैब्रिक के कंटेनर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाते, तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको पता ही होगा कि क्या चीज़ है ये। उसके बाद है वॉल पेपर 13,500 किलो प्लस सन ग्लासेस 9,000 पीसेस, ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है एक्सपोर्ट के केस में, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो माल है वो ऑक्शन में बहुत कम आता है। फिर बैडमिंटन रैकेट सेट है एज़ पर लॉट डिस्क्रिप्शन, देखिए सेट ऑफ 2 रैकेट एंड 1 शटलकॉक, ठीक है। ग्लास बाउल्स है 2,00,000 पीसेस, स्कूल बैग्स हैं असॉर्टेड साइज़ के 17,000 पीसेस, पॉकेट वॉलेट हैं फिर से 95,000 पीसेस, शेकर बॉटल हैं 17,000 पीसेस। तो ये देखिए ये टोटल इतने लॉट हैं, यानी 11 लॉट हैं, और पीसेस वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए तुगलकाबाद में ये ऑक्शन होने वाला है। तो आप लोगों ने शायद एक्सपोर्ट के ऑप्शन कभी देखे नहीं होंगे, तो आप लोगों ने अगर MSTC में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आप लोगों के पास कार्ड है, तो आप उस कार्ड को दिखा के जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक ऑप्शन में पार्ट लेने के लिए MSTC में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारी टीम के थ्रू। हम आप लोगों को आने वाले ऑप्शन में किस तरीके से पार्ट लेना है डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से और कंप्लाइंस के माध्यम से पूरे 1 साल तक की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और आने वाले ऑप्शन में पार्ट लेने के लिए MSTC में रजिस्ट्रेशन करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी ऑप्शन के वीडियो में, लाइव ऑप्शन के या इस तरह के ऑप्शन के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।